राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिर देश का अगला महामहिम कौन होगा। सत्ताधारी भाजपा ने इसके लिए विपक्षी दलों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है। खबरों के अनुसार राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बात की है। ऐसे में खबर है कि राजनाथ सिंह ने एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू से भी संपर्क किया है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रस्तावित किया था, लेकिन शरद पवार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर साझा की है। बता दें कि देश में 16 बार राष्ट्रपति चुनाव होगा। शरद पवार ने बैठक के बाद में ट्वीट करते हुए लिखा, राजधानी में हुई बैठक में देश के राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के तौर पर मेरा नाम सुझाने के लिए मैं विपक्षी दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी उम्मीदवारी के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया है। अगले ट्वीट में शरद पवार ने लिखा कि आम आदमी की भलाई के लिए अपनी सेवा जारी रखते हुए मुझे खुशी हो रही है। बता दें कि बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसके तहत आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव कराए जाने का फैसला किया गया और आगामी 21 जुलाई को जग जाहिर हो गया कि आखिर देश का अगला महामहिम कौन होगा। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।